बहुत टाइम से कह रहे थे ना बजट लैपटॉप नहीं आ रहा, ले आए ये भाई एसर एस्पायर लाइट, देखते कितना लाइट है। और इसके बारे में ना मुझे भाई कमेंट से पता लगा तुम्हारे, तो कमेंट करते रहा करो। नई नई चीजें पता चल जाती है मार्केट की। और सबसे मेन चीज पता क्या, सिर्फ 35,000 का और i5 प्रोसेसर है भाई, रिव्यू बनता भाई फिर तो यार। और मेरे को सही बताओ, मैंने यूज किया ना बहुत ज्यादा सही लगा। ये शुरू करते हैं आराम से आयुष भाई। तो ये भाई अपना बॉक्स कुछ अलग तरीके का, इस बार एक अपनी पावर कॉर्ड, एक अपना 45 वॉट्स का अडैप्टर, और ये कोई चिकोनी कंपनी का अडैप्टर है, तो पता नहीं कोई थर्ड पार्टी से बनवा रहा होगा ये सर। और ये वाली पिन है इसकी, ओ भाई क्या ही प्रोटेक्शन है भाई। एक पैकेट अपना, और इसके अंदर एक तो देखो क्लीनिंग क्लोथ आता है, और एक आती है अपनी CD, तो कोई ड्राइवर्स वगैरह होंगे इसमें, और यूजर मैनुअल की किताब। कौन से जमाने में जी रहे हैं सर वाले, और लैपटॉप में CD तो लगती नहीं है, क्या हो रहा है ये भाई। पैकेजिंग तो कुछ भी कहो यार, बढ़िया दिया है इन्होंने, इतनी तगड़ी पैकेजिंग गेमिंग लैपटॉप में दे रहे हैं। ओहो देख रहे हो, वाह वाह सुंदरता पूरी भर भर के भाई साहब, हर जगह से मजा आ गया। तो ये ग्रे कलर में आता है अपने पास, एसर की जो ब्रांडिंग है वो व्हाइट कलर की है, और ये जो इसकी टॉप लिड है ना मेटल की है भाई। ये नीचे से तुम देख सकते हो कि पूरे वेंट्स वगैरह सारे खुले हैं, और पंखा भी दिख रहा है इसका, नीचे से भी मेटल है। प्रीमियम तो काफी लग रहा है यार। बाकी जो अंदर वाला पार्ट है ये शायद प्लास्टिक है, इस बजट के अंदर मेटल शायद ही कोई लैपटॉप में आता होगा भाई, एसर में आ रहा है। बाकी हिंज के अंदर ही हमें एग्जॉस्ट वेंट मिलता है, तो जो गरम गरम हवा है ना वो इस तरफ से निकलेगी, तो डिस्प्ले पर थोड़ी बहुत टच होती है, एंड डिस्प्ले हल्की फुल्की हीट हो जाती है, पर मैंने जितना यूज किया है सच कोई डिस्प्ले पे दिक्कत नहीं आएगी। हीट का फ्लो ना ऐसे ऊपर की साइड हो जाता है। बाकी हिंज भी इसका बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को, क्वालिटी वाइज अच्छा है। एक हाथ से ओपन तो नहीं होता, दो हाथ लगाने पड़ेंगे, बट ये 180 डिग्री रोटेट हो जाता है भाई। ये कहां तो ये महंगे महंगे लैपटॉप्स का फीचर है, और ये सर बजट में ही दे रहा है, वाह। बाकी वोबलिंग मेरे को थोड़ा सा इशू लगा, वोबल हल्की हल्की करती है डिस्प्ले। और फ्लेक्स की बात करें तो अपर लिड वैसे तो मेटल की है, लेकिन थोड़ा बहुत जो फ्लेक्स है ना वो इसमें डेफिनेटली हमें मिलता है। और कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करें तो वो भी डिसेंट अमाउंट का है, पर बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल मुझे बढ़िया लगी इसकी, मतलब जिस प्राइस पर ये आ रहा है ना इससे भी घटिया बिल्ड क्वालिटी के देखे मैंने। इसकी तुम्हें हाथ में पकड़ते ही ना प्रीमियम सी फिनिशिंग फील होगी, और ऐसा सॉलिड फील होगा डेफिनेटली। बाकी वेट है इसका 1.6 kg के आसपास। बाकी मुझे ओवरऑल डिजाइन इसका बहुत ज्यादा प्रोफेशनल, स्लीक, और एकदम ऐसे होता है ना जो कॉलेज और स्टूडेंट वाले लोग, प्रोफेशनल लोग जैसा चाहेंगे बिल्कुल वैसा डिजाइन बनाने की कोशिश की है पूरी। स्पेक्स देखें, प्रोसेसर हमारे पास इसके अंदर i5 11 जनरेशन 1135G7 4 कोर 8 थ्रेड्स के साथ, और इसमें ना एक Ryzen 5 5500U वाला वेरिएंट भी आता है। परफॉर्मेंस वाइज सिमिलर है दोनों, बट Ryzen वाला थोड़ा सस्ता है कंपैरेटिवली इसका अभी। अब तुम कहोगे यार कहां भैया 11 जनरेशन ला रहे हो यार, 2023 चल रहा है, जिस प्राइस पे आ रहा है ना उस हिसाब से जो ये वाला प्रोसेसर परफॉर्मेंस देगा ना i3 12th जनरेशन में नहीं देता, क्योंकि इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड मिलता है हमें वो है इंटीग्रेटेड वाला Iris Xe ग्राफिक्स, तो जो CPU GPU की इंटीग्रेशन वाली जो परफॉर्मेंस ओवरऑल ये वाला CPU दे देगा ना ये वाले लैपटॉप में, वो 12th जन i3 वाले लैपटॉप भी नहीं निकाल पाते, क्योंकि उसमें ना Intel UHD आता है, Iris Xe बेटर है, अभी वो आगे परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में बताऊंगा। रैम इसमें 8GB की DDR4 3200MHz की डुअल चैनल रैम, 4GB की दो स्टिक लगी हुई है, क्योंकि DDR4 है और इसमें एक 16GB वाला वेरिएंट भी आता है, तो मेरे हिसाब से 16GB तक तो तुम अपग्रेड कर सकते हो। और स्टोरेज इसमें हमारे पास 512GB की एक Gen 3 SSD और रीड एंड राइट स्पीड कुछ ऐसी मिलती है हमें, मतलब Gen 3 वाली है प्रॉपर। और हाँ इसमें हार्ड डिस्क अपग्रेड हो जाएगी, उसके लिए भी स्लॉट दे रखा है, और SSD होगी या नहीं उसका स्लॉट है या नहीं वो कहीं पर भी मेंशन नहीं था, पर अगर नहीं भी होगा तो जो एग्जिस्टिंग इसमें स्लॉट है ना उसको तो अपग्रेड कर ही सकते हैं। मैक्स कितनी हो जाएगी ये नहीं पता, बट मेरे हिसाब से 1TB तक तो हो ही जाएगी। और कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 5 और ब्लूटूथ 5.2, तो कुछ छोटी छोटी जगह पर कॉस्ट कटिंग है, पर ठीक है कोई नहीं, अगर परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी तो झेल लेंगे इतना। और MS Office Home Student नहीं मिलता, वो ना ऑप्शनल है, तो तुम अगर इंक्लूड कराना चाहोगे तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाएगा, बस यही फर्क है। अब अगर सीधा परफॉर्मेंस देखे तो कुछ बेंचमार्क टेस्ट रन करे थे, सिनेबेंच R23, Geekbench 6, क्रॉसमार्क, तो ये सारे CPU वाले हैं, मैंने CPU वाले करे क्योंकि CPU मेन है, काफी सही स्कोर निकल के आया इस प्रोसेसर के हिसाब से। मतलब मैं इतना कह सकता हूं कि अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम प्रैक्टिकली कोई भी काम कर सकते हो, प्रेजेंटेशन बनाना, ब्राउजिंग वगैरह करना, या इवन प्रोग्रामिंग भी तुम्हारी काफी अच्छे लेवल तक इसमें हो जाएगी, इतने कामों में तो भगता है लैपटॉप। ऑफिस पर्पज के हिसाब से भी लेते हो ना तो बहुत सही परफॉर्मेंस देगा। ऑल इन ऑल बजट में अगर तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो वो सब चीजें इसमें मिल रही है। बाकी अगर प्रोडक्टिविटी करते हो तो फोटोशॉप में तुम फोटो एडिटिंग अच्छे खासे लेवल तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्मूथ बढ़िया वाला। बाकी अगर वीडियो एडिटिंग करते हो तो 1080p लेवल तक 60fps में तुम बढ़िया अच्छे खासे लेवल की कर सकते हो। मैंने प्रीमियर प्रो में टेस्ट किया था, 4K लेवल में प्रेफर नहीं करूंगा, मत ही करना क्योंकि नहीं चला तो फिर बाद में कहोगे चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा बहुत लैग हो सकता है, तो 4K रेकमेंड नहीं करूंगा, बाकी 1080p तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ग्राफिक्स ओरिएंटेड काम करने हैं, ग्राफिक डिजाइन वगैरह, वो प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि इसमें कोई डेडिकेटेड
जीपीयू में नहीं मिलता। बहुत ही बेसिक लेवल के अगर ग्राफिक ओरिएंटेड काम करने वो जाएंगे, बट ज्यादा हाई लेवल नहीं। तो अगर तुम्हारा इस लैपटॉप को खरीदने का मन कर रहा है और अगर तुम दिल्ली नोएडा गाजियाबाद से हो तो एक बढ़िया चीज बताता हूँ, तुम जा सकते हो फ्यूचर आईटी जोन। वहाँ पर हर तरह का लैपटॉप अवेलेबल है, गेमिंग, नॉन गेमिंग, प्रोफेशनल, कैसा भी, और ऑलमोस्ट हर ब्रांड का। और किसी भी मोड से तुम पेमेंट कर सकते हो, फाइनेंस की फैसिलिटी भी है। और ये लैपटॉप भी हमें उन्हीं ने प्रोवाइड किया, तो भाई अगर खरीदना चाहो तो मैं संपर्क की डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाकर कर लेना और भाई का रेफरेंस दोगे थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाएगा। अब मैंने गेमिंग का आइडिया लगाने के लिए कुछ 2-3 गेम टेस्ट करे ताकि तुम्हें पता चल जाएगी कैजुअली अगर कभी कभी गेम खेलते हो कैसे खेल पाओगे, देख लो एक बार। तो पहले सीएस को टेस्ट किया हमने लो प्रीसेट के ऊपर, FPS जा रहा है भाई 70-80 के आसपास, कभी कभी 90 प्लस भी जा रहा है, मतलब भाई परफॉर्मेंस सही दे रहा है। और सीपीयू और जीपीयू के स्टैट्स ना सेम है क्योंकि IGPU पे चल रहा है, टेम्परेचर वगैरह तुम्हारे सामने देख ही सकते हो। तो मतलब लो प्रीसेट पे तुम गेमिंग कर सकते हो कैजुअली। देन GTA 5 टेस्ट किया बिल्कुल बेसिक सेटिंग्स पे और 1080p रिजोल्यूशन था, तो कुछ 30 के आसपास FPS थे। यू है कि भाई गेम चलाने लायक ठीक है, बट 30 FPS पे उतना स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। अब यार 15 वॉट से ज्यादा पावर ड्रॉ कर नहीं रहा अपना लैपटॉप, और 15 वॉट के अंदर भाई इतनी गेमिंग करा रहा है वो भी बहुत लगी मुझे, क्योंकि आयरिस एक्सी ग्राफिक्स है। तो ये है कि ये भी कैजुअली खेलना चाहो कभी कभी तो खेल सकते हो। देन वेलोरेंट टेस्ट किया हाई प्रीसेट पे, और वेलोरेंट में भाई 25 वॉट तक पावर ड्रॉ हो रही थी क्योंकि सीपीयू इंटेंसिव गेम है, तो सीपीयू अपना पूरा यूज हो रहा था ढंग से और अच्छे FPS आ रहे थे हमारे पास, 80-90-70 तक FPS आ रहे थे। तो वेलोरेंट जैसे गेम्स तुम आराम से इसमें एंजॉय कर सकते हो, ये तो पक्का है। बाकी ठीक है AAA टाइटल नहीं खेल पाओगे वो तो ऑब्वियस भी है भाई, बाकी आइडिया तो लगी क्या होगा तुम्हें कि कैसी गेमिंग हो जाएगी। पोर्ट की बात करें तो भाई लेफ्ट साइड पर है हमारे पास एक Kensington लॉक, एक RJ45 LAN पोर्ट, एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, 2 USB टाइप ए 2.0 वाले पोर्ट और एक सिम कार्ड का स्लॉट और एक हेडफोन माइक जैक कॉम्बो। भाई सिम लगा के देखते हैं एक बार। तो भाई इसका जो ये सिम स्लॉट है ना, ये एक्चुअल में ना बंद कर रखा है इन्होंने, मैं दिखाता हूँ कैसे। यहाँ तुम देख सकते हो ये जगह बंद है, मैंने अपनी सिम भी इसके अंदर डाल के देखी है। देखो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा था इसको डालने की, लेकिन कहीं से भी सिम अपनी अंदर नहीं घुस रही थी इसके। तो मे भी हो सकता है कोई और मॉडल आता होगा या फिर सेम चेसी किसी और लैपटॉप की आती होगी जो इन्होंने उठा के डाल दी, बट इसमें सिम का सपोर्ट तो नहीं है, ये तो पक्का है भाई। राइट साइड पे अपने पास एक पावर इनपुट का पोर्ट, एक HDMI का पोर्ट, एक USB टाइप ए 3.2 जेन 1 वाला पोर्ट और एक USB टाइप सी 3.2 जेन 2 वाला पोर्ट। तो भी हमने अपना टाइप सी वाले पोर्ट से कनेक्ट करी है और हमारी डिस्प्ले शेयर नहीं हो रही है भाई, यानी कि टाइप सी पोर्ट डिस्प्ले सपोर्ट नहीं करता। और अगर HDMI वाले पोर्ट से डिस्प्ले शेयर करते हो तो वो सपोर्टेड है और 4K60 तक आराम से डिस्प्ले शेयर हो जाएगी भाई। HDMI पोर्ट का वर्जन मेंशन नहीं था, बाकी 4K60 तक डिस्प्ले शेयर हो रही थी, तो 1.4 या 2.0 में से कोई एक होगा। तो बजट के हिसाब से पोर्ट्स में मेरे को कोई भी कमी नहीं लग रही। तो इसका जो टाइप सी पोर्ट है उससे हम लैपटॉप को चार्ज नहीं कर सकते, पर हाँ चार्जिंग दे सकते हैं अगर तुम्हें कोई और डिवाइस वगैरह चार्ज करना है तो। बाकी अंदर से भी काफी ज्यादा प्रीमियम लुक आती है इसकी। लेफ्ट साइड पे अपने स्टिकर्स वगैरह है, राइट साइड पर भी कुछ फीचर्स मेंशन है और सेंटर में आता अपना टचपैड। टचपैड का साइज काफी बड़ा है और फुली टच है एंड क्लिक्स काफी अच्छे लगते हैं इसके, मतलब अच्छा फीडबैक आता है। टचपैड पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, जेस्चर वगैरह सारी चीजें तुम बढ़िया परफॉर्म कर सकते हो। और कीबोर्ड की बात करें ना तो ये बैकलिट कीबोर्ड नहीं है और जो इसके ऊपर अल्फाबेट्स वगैरह है वो भी ना प्रिंटेड है, तो यूसेज के साथ ना हो सकता है ये धीरे धीरे मिट जाए, 2-3 साल तक तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। बाकी क्वालिटी वाइज कीबोर्ड मेरे को बढ़िया लगा, टेक्टाइल है और तुम आराम से टाइप वाइपिंग कर सकते हो बढ़िया तरीके से। बैकलिट होती ना तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहता, मतलब रात में काम कैसे करेंगे यार, पढ़ाई वढ़ाई। बाकी फंक्शन कीज पर भी काफी सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल है और पावर बटन है उसके ऊपर अपना, और इसमें भी लाइट जलती है। देन आती है अपनी डिस्प्ले, और इस लैपटॉप में भाई 15.6 इंचेस की एक FHD 1080p रिजोल्यूशन वाली TFT एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, तो IPS नहीं है ये याद रखना। और ब्राइटनेस कहीं मेंशन नहीं थी, बाकी मेरे को जैसे एक्सपीरियंस के हिसाब से पता चला मेरे हिसाब से 250 nits के आसपास तो लग रही है मुझे। इंडोर में तो ब्राइटनेस में कोई कमी नहीं लगेगी, आउटडोर में भी ठीक ठाक है। अब IPS नहीं है तो यार 45% NTSC से भी थोड़े से कम ही मान के चलना कलर्स वगैरह, बाकी व्यूइंग एंगल भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं होंगे जितने IPS में मिल जाते हैं हमें, पर इस बजट में जनरली IPS डिस्प्ले नहीं मिलती है तो क्या ही कर सकते हैं भाई, TFT से ही काम चलाना पड़ेगा। बाकी वैसे अगर तुम सामने से देखते हो ना तो बहुत ही सही लगती है डिस्प्ले, ऐसा सच काम करने में कोई दिक्कत नहीं लगेगी और नॉर्मल कंटेंट कंजम्पशन भी करते हो तो उस हिसाब से TFT में जो क्वालिटी आती है ना वो बढ़िया लगी मेरे को। बाकी वेबकैम है इसमें 720p वाला, इसकी वेब कैमरा क्वालिटी, माइक भी इसी का यूज हो रहा है, देख लो भाई जैसी भी आवाज लगे, बाकी क्लैरिटी तो सही लग रही है यार, देख लो जैसी भी लगे लाइक सब्सक्राइब मार देना बस, वो मत भूलना। बहुत ही डिसेंट से स्पीकर है, मतलब लाउडनेस भी ठीक ठीक सी है, जैसे एवरेजली लैपटॉप में आते हैं ना वैसे सही है, तो हल्के फुल्के से काम चलाने के लिए ठीक है, बट बहुत ज्यादा बढ़िया तो नहीं लगेंगे तुम्हें। और इसमें ना ऐसे नाइमिक का स्टिकर लगा हुआ है, पर भाई नाइमिक का सॉफ्टवेयर मैंने इसमें सर्च किया था तो नहीं, पता नहीं, या तो एसर की वेबसाइट पर बाद में ड्राइवर वगैरह डाउनलोड करेंगे सॉफ्टवेयर तो तब क्या पता ऑप्शन आ जाए, प्री इंस्टॉल्ड तो नहीं है। बाकी बैटरी इसमें 36 वॉट आवर्स की, तो ब्रांड कुछ भी क्लेम करे डेफिनेटली बैटरी एक छोटी सी लगा रखी है इसमें, तो बहुत ज्यादा बैकअप की उम्मीद मत करना, पर क्योंकि ये थिन एंड लाइट
ब्राइट है और IGBU भी चलने वाला है। तो मेरी यूज में मैंने इसको लो ब्राइटनेस पे हल्के फुल्के काम करके यूज किया, तो 5 से 6 घंटे का बैकअप ये दे देगा, बट उससे ज्यादा की उम्मीद मत करना, बाकी यूज टू यूज डिपेंड करेगा। तो यार मुझे ये लैपटॉप ना इसलिए इतना ज्यादा बढ़िया लग रहा है क्योंकि प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देखो इसका कितना सही है। तुमने गेमिंग परफॉर्मेंस देख ली, कैजुअली बेसिक लेवल के तुम कोई भी काम करो बहुत ही तगड़े लेवल पे हो जाएंगे। और जनरली इस बजट के अंदर ना हमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप बहुत ही कम मिलते हैं जिसमें हम गेमिंग भी कर पाए, तो इसीलिए ना अगर ऐसा काम है तो 2023 में भी ये प्रोसेसर बिल्कुल भी बेकार नहीं लगा मुझे। आराम से 2-3-4 साल तक भी तुम आराम से अपने बेसिक काम तो कर ही लोगे तब भी, क्योंकि कई लोग हैं जो आज भी 5th-6th generation वाले प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, तो ये सोचो ये तो 11 है, 2-3 साल तो बढ़िया चल जाएगा। तो अगर बहुत ही टाइट बजट में एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप चाहिए ना, डेफिनेटली तुम इसकी तरफ जा सकते हो। बाकी एसर का ना एक Acer 1 के नाम से एक लैपटॉप आता है, वो भी सेम प्रोसेसर का है, बट उसमें ना हमें IPS डिस्प्ले मिलती है और वो 14 इंच वाला लैपटॉप है, और कुछ 2-3 फीचर जो इसमें नहीं है उसके अंदर दे रखे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा उसका रिव्यू भी लाने की ताकि अपनी बजट ऑडियंस भी खुश रहे। देखा सबकी सुननी पड़ती है। तो अगर इसे खरीदना है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर खरीद सकते हो, और इन वीडियोस को भी चेक कर लेना। बाकी पसंद आ गया हो, मजा आ गया हो, लाइक मारो, सब्सक्राइब भी कर दो। हम मिलेंगे ऐसी किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।